हाँ तो बच्चों, आज हम जो राजनीति के निदेशक तत्व हैं उनका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन का मतलब यह है कि इनकी जो खामियां हैं उनको बताएंगे और साथ ही साथ जो इनका इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले है कि कई आधार से जो नीति निर्देशक तत्व है उनकी कई विद्वानों के द्वारा आलोचनाएं की गई है, जिनको हम शॉर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। जिस समय पहला इसकी आलोचना है कि वैधानिक शक्ति का अभाव, संविधान द्वारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को एक और तो देश के शासन में मूलभूत माना है, किंतु साथ ही वैधानिक शक्ति प्राप्त या न्याय योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय उपयुक्त सिद्धांत को क्रियान्वयन नहीं करवा सकते। अतः आलोचकों की राय में ये निर्देशक सिद्धांत शुभ इच्छाएं, नैतिक उपदेश हैं या ऐसे राजनीतिक घोषणाओं के समान हैं जिनका कोई संवैधानिक महत्व नहीं। संविधान सभा के एक सदस्य श्री नसीरुद्दीन ने इन्हें नव वर्ष के प्रथम दिन पास किए गए सभी शुभकामनाओं का प्रस्ताव कहा, और केटी साहब ने कहा कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। प्रोफेसर केसी मीहर ने निर्देशक सिद्धांतों को उद्देश्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। श्री एन आर राघवाचारी इन्हें ललित पदावली में उच्च ध्वनि ध्वनित भावनाओं की ऐसी पंक्तियां कहा है जिनका वैधानिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। सर पी एन राव, जो हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, के शब्दों में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक उपदेश के समान है और वे इसे आलोचना के पात्र हैं कि संविधान में नैतिक उपदेशों के लिए कोई स्थान नहीं है। आलोचकों का कहना है कि यदि संविधान में नैतिक उपदेश करना ही अभिष्ट था तो बाइबल की 10 पवित्र आज्ञाओं को संविधान में शामिल क्यों नहीं किया गया। दूसरी यह है कि अस्पष्ट तथा अतार्किक रूप से संग्रहित नीति निर्देशक सिद्धांतों के विरुद्ध यह भी आलोचना की जाती है कि यह किसी निश्चित या संगतपूर्ण दर्शन पर आधारित नहीं, यह अस्पष्ट है, उनमें क्रमबद्धता का अभाव है और इनमें एक ही बात को बार बार दोहराया गया है। उदाहरण के लिए, इन तत्वों में पुराने स्मारकों की रक्षा जैसे महत्वहीन प्रश्न अपेक्षाकृत अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक प्रश्नों के साथ मिला दिए गए। प्रोफेसर सी श्रीनिवासन के शब्दों में, इस अध्याय में कुछ ऐसे बैठन के तरीके के आधुनिक को पुरातन के साथ तथा तर्क और विज्ञान द्वारा सुझाए गए उपबंधों को विशिष्ट रूप से भावुकता पूर्वाग्रह पर आधारित उपबंधों के साथ मिला दिया गया। तीसरी आलोचना यह है कि एक प्रभुत्व संपन्न राज्य में अस्वाभाविक, एक प्रभुत्व संपन्न राज्य में इस प्रकार के सिद्धांतों को ग्रहण करना अस्वाभाविक लगता है कि एक उच्च सत्ता अधीनस्थ को आदेश दे सकती है, जैसा कि 1935 के भारतीय संविधान अधिनियम में ब्रिटिश संसद द्वारा गवर्नर जनरल और गवर्नरों को आदेश दिए गए थे। लेकिन एक प्रभुत्व संपन्न राज्य को इस प्रकार के आदेश देने की आवश्यकता पड़े, यह अस्वाभाविक जान पड़ता है। विधिवेत्ताओं की दृष्टि में एक प्रभुत्व संपन्न राज्य के लिए इस प्रकार के उपदेशों का कोई औचित्य नहीं है। चौथी है कि व्यावहारिक और अनुचित, इन सिद्धांतों को व्यावहारिकता व औचित्य को भी कुछ आलोचकों के द्वारा चुनौती दी गई है। उदाहरण के लिए, मद निषेध से संबंधित निर्देशक सिद्धांतों को की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के प्रतिपादकों द्वारा उग्र आलोचना की गई है। उनका कहना है कि तथाकथित सुधार राष्ट्रीय कोष का भार स्वरूप होंगे। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि नैतिकता थोपी नहीं जा सकती,
मद निषेध शराबियों को नैतिक प्राणी बनाने के बजाय शराब के अवैध कारोबार को जन्म देगा। यह व्यवस्था इस दृष्टि से भी अव्यावहारिक प्रतीत होती है कि अनेक राज्य सरकारों द्वारा कई बार मद निषेध की व्यवस्था का अंत कर सार्वजनिक क्षेत्र में मद विक्रय केंद्रों की स्थापना की गई है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर आइवर जेनिक्स के शब्द बहुत कुछ सीमा तक उचित प्रतीत होते हैं। आने वाली सदी में यह तत्व निसंदेह निरर्थक हो जाए। पांचवी आलोचना इस प्रकार से की गई है कि संवैधानिक द्वंद के कारण संविधान विधिवेत्ताओं ने यह आशंका व्यक्त की कि ये भारतीय शासन में संवैधानिक द्वंद और गतिरोध के कारण बनेंगे। संविधान सभा में संतान ने यह आशंका व्यक्त की थी कि इन निर्देशक सिद्धांतों के कारण राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल के बीच मतभेद हो सकते हैं। प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो स्थिति क्या होगी। एक पक्ष कहता है कि राष्ट्रपति इस आधार पर किसी भी विधेयक को पर निशेषाधिकार कर सकता है कि वह शासन के मूलभूत सिद्धांत निदेशक सिद्धांतों के विरुद्ध है। भारतीय संविधान के फेमस जो लेखक हैं श्री दुर्गादास बसु के द्वारा भी उपयुक्त विचार व्यक्त किया गया है। इस प्रकार की घटनाएं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच मतभेद को जन्म देंगी और पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को गंभीर रूप से आघात पहुंच सकता है। तो बच्चों, ये निर्देशक सिद्धांत हैं, इनकी कतिपय विचारकों ने तार्किक आलोचना की है, मगर इन आलोचनाओं के साथ ही साथ इनका जो इम्पोर्टेंस है वो छिपा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये है नहीं लिया जाना चाहिए कि ये बिल्कुल व्यर्थ और महत्वहीन है। वास्तव में संवैधानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से नीति निर्देशक सिद्धांतों का बहुत अधिक महत्व है। न्यायमूर्ति हेगड़े के अनुसार यदि हमारे संविधान में कोई ऐसे भाग हैं जिन पर संवैधानिक और गहराई से विचार करने की आवश्यकता है तो वह है भाग 3 और 4। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि भाग 3 में मूल अधिकार लिखे गए हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व लिखे गए हैं। उनमें हमारे संविधान का दर्शन निहित है और एक लेखक के शब्दों में भी हमारे संविधान की अंतरात्मा है। इन सिद्धांतों का जो इम्पोर्टेंस है उनको मोटे रूप से निम्न हिसाब से देखा जा सकता है। पहला है असंग तथा असामयिक होने के तरंग वाला नीति निर्देशक तत्व के संबंध में प्रॉपर्ट जैनिक्स और श्रीनिवासन जैसे व्यक्तियों की आलोचना नितांत अनुचित है कि यह तत्व असंग तथा असामयिक है। वास्तव में यह विचार केवल विदेशी नहीं है, वरन इस अध्याय में अनेक उपबंध पूर्ण रूप से भारतीय है। यद्यपि 21वीं सदी में सिद्धांत पुराने पड़ जाएंगे और अव्यावहारिक हो जाएंगे, लेकिन कम से कम 20वीं सदी के प्रारंभ में के भारत में सिद्धांत उपयोगी तथा व्यावहारिक प्रतीत होते हैं। दूसरा है निर्देशक सिद्धांतों के पीछे जनमत की शक्ति है। यह सही है कि न्यायालय द्वारा इनको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके पीछे जनमत की शक्ति होती है जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा न्यायालय है। अतः जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इनकी अवहेलना करने का साहस नहीं कर सकती। शासन द्वारा किया गया इनका बार बार उल्लंघन देश में शक्तिशाली विरोध को जन्म देगा। व्यवस्थापिका के भीतर शासन को विरोधी दल के प्रहारों का सामना करना पड़ेगा और व्यवस्थापिका के बाहर इस निर्वाचन के समय निर्वाचकों को जवाब देना होगा। निदेशक सिद्धांतों के पीछे जनमत की शक्ति होने के कारण शासक दल को इनकी क्रियान्वित के प्रति पर्याप्त उत्साह का परिचय देना होगा। तीसरा इम्पोर्टेंस इस हिसाब से देखा जा सकता है कि ये चरम सीमाओं से रक्षा करते हैं। संविधान निर्माता इस तथ्य से पूर्णतः परिचित थे कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक राज्य में परिवर्तनशील जनमत के परिणाम स्वरूप विभिन्न समय में विभिन्न राजनीतिक दल सत्तारूढ़ हो सकते हैं। कभी दक्षिणपंथी दल शासन सत्ता का अधिकार कर सकता है और कभी कोई वामपंथी।
निदेशक सिद्धांत इन दोनों प्रकार के सरकारों को मर्यादित रखेंगे तथा उन्हें किसी एक तरफ झुकाव करने से रोकेंगे। चौथा इसका इंपोर्टेंस इस प्रकार से लिया जाता है कि नैतिक आदर्श के रूप में भी इनका महत्व देखा जा सकता है। ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा, फ्रांस के मानवीय तथा अधिकारों की घोषणा, अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना को कोई कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो इम्पोर्टेंस है वह सर्वविदित है। और ये निदेशक जो सिद्धांत है भारतीय संविधान की व्याख्या में भी सहायक है, जिसे देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं उनके द्वारा निर्देशित होंगी। न्यायपालिका भी एक शासन का महत्वपूर्ण अंग होने के कारण आशा की जा सकती है कि भारत में न्यायालय संविधान की व्याख्या के कार्य में निर्देशित सिद्धांतों को उचित महत्व देंगे। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है शासन के मूल्यांकन का भी आधार है। जनता इनके आधार पर ही क्या है कि शासन के मूल्यांकन कर सकती है कि उन्होंने अच्छा काम किया है या नहीं किया है। जो सातवां यह है कि कार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते। निदेशक सिद्धांत के पक्ष में अंतिम बात यह कही जा सकती है कि यद्यपि विधानसभा के सदस्यों तथा कुछ संविधान वेताओं ने भय प्रकट किया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल इस आधार पर किसी विधेयक पर अपने सम्मति देने से इनकार कर सकते हैं कि वह निदेशक सिद्धांतों के प्रतिकूल है, लेकिन व्यवहार में ऐसी घटना की संभावना कम है, क्योंकि संसदात्मक शासन प्रणाली में नाममात्र का कार्यपालिका प्रधान लोकप्रिय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित विधि को अस्वीकार करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। आम्बेडकर के शब्दों में विधायिका द्वारा पारित विधि को अस्वीकृत करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल नीति निदेशक सिद्धांतों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो बच्चों, वास्तव में निदेशक सिद्धांत भारतीय शासन के सर्वोच्च सिद्धांत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश केनिया ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद पर निर्णय देते हुए कहा था, क्योंकि निदेशक सिद्धांत संविधान में शामिल है, इसलिए वे बहुमत दल के अस्थायी आदेश मात्र भी ही नहीं है, वरन उनमें राष्ट्र की बुद्धिमत्तापूर्ण स्वीकृति बोल रही है जो संविधान सभा के माध्यम से व्यक्त हुई थी। तो बच्चों, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था, मूल्यांकन था नीति निर्देशक सिद्धांतों का। कल जो क्लास होगी उसमें देखते हैं कोई और टॉपिक के ऊपर आपको बताएंगे। धन्यवाद।